हेलो दोस्तों, आए आ गए हैं दोस्तों एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों ये जिक्सर SF जो सुजुकी है दोस्तों, ये 150 का है दोस्तों। इस गाड़ी का जो दोस्तों चेन किट कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है, तो इसको चेंज करेंगे तो किस तरह से ऑल डिटेल्स में बताऊंगा इसी वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको कुछ मिलेगा और कुछ नॉलेज मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये सेंसर का जो है बोल्ट सेंसर के लिए लगा हुआ है, ये एलेंकी एक बोल्ट है, इसको खोल लिए तो इसको किस तरह से कहाँ पर कौन सा तरफ खोलेंगे एलेंकी को, क्योंकि हमारा जो बच्चा जो है वो उल्टा पल्टा खोलने सोच रहा था, इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो और ध्यान दिया और बनाया इसीलिए। दोस्तों यहाँ पर चेन स्क्वाड पड़ा है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में तरफ। दोस्तों ये चारों नट खोलेंगे तो ये पीछे वाला जो बड़ा स्पॉकेट जो है ये निकल जाएगा, चेन स्पॉकेट कहते हैं और कोई पिनियम भी कहते हैं, चेन पिनियम, लेकिन चेन पिनियम नहीं है, चेन किट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको चारों नट जो है बड़ा MM का जो है पाना से खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों लूज कर लिए हैं, अभी चारों और खोलेंगे। दोस्तों ये थोड़ा टाइट रहता है, इसलिए हथौड़ी थोड़ा मारना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से मारिए कि इधर उधर नहीं टूटे, और जितना ज़ोर से मारिएगा तो दोस्तों इसको सफाई वफाई करके फिर जो है ग्रीस बैरिंग में ग्रीस भी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये कभी सर्विसिंग के टाइम खुलेगा तो नहीं तो और नहीं खुलेगा। दोस्तों इस तरह से बैठा लीजिएगा, थोड़ा टाइट रहता दोस्तों तो हाथ से और नहीं कुछ लकड़ी से मार कर भेज सकते हैं, और हथौड़ी भी चला सकते, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों अभी इस चारों बोर्ड को किस तरह से हम फिटिंग करेंगे चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत ही लोग बहुत ही तरीके से फिटिंग करते हैं, लेकिन मेरा तरीका जो है अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। दोस्तों मैं इस तरह से डाल लेता हूँ, चारों बोल डाल दिए हैं। अब दोस्तों चारों उंगली से दोस्तों इस तरह से मैं इस तरह से लगा लेता हूँ, कोई इस तरह से नहीं भी कर सकता, क्योंकि हर आदमी का उंगली जो है अच्छे तरह से बैठता नहीं, क्योंकि मेरा ऐसे ही ट्रेनिंग हो गया, चारों कभी भी मैं ऐसे चेन स्पॉकेट फिटिंग करते हैं इस तरह से लगा देते हैं, और इस तरह से नाट को थोड़ा हाथ से टाइट करके फिर रेंच से जो है टाइट अच्छे तरह से कर देते हैं। चलिए बैठा के इस तरह से टाइट कर देते हैं। चारों बोल्ट को दोस्तों अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा, क्योंकि इसमें झटका जो है अगर क्लच छोड़ते हैं जोर से और नहीं तो दोस्तों ये जो है बड़ी गाड़ी है, क्योंकि इस गाड़ी में झटका लेता ही लेता है, ये सुजुकी है तो सुजुकी का मतलब नहीं एक 150 से ज़्यादा है, तो क्यों तो ये जो झटका लेगा। तो दोस्तों और कोई सा भी गाड़ी हो तो अच्छे तरह से टाइट कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये एलेंकी जो है हमारा बच्चा लोग जो है यानी लड़का जो है वो मतलब उल्टा चूड़ी सोच कर दोस्तों इस तरह से हथौड़ी मार रहे थे, तो यह जो है एलेंकी ख़राब हो चुका है थोड़ा पेचकस से, क्योंकि ये जो है एलेंकी स्लिप कर दिए थे, तब जो मैं एलेंकी को ऊपर जो रॉड लगाकर ठुकाई किया, और दोस्तों उसी एलेंकी से खुल गए हैं, सीधा थ्रेड है इसमें, उल्टा चूड़ी नहीं है। दोस्तों ये मीटर जो है शो करता है इसीलिए ये लगा हुआ है, इसमें कोई उतना काम नहीं है। और दोस्तों अभी ये एक यहाँ पर नट जो है बोल्ट लगा हुआ नहीं है, एक ये बोल्ट है, तो इस बोल्ट को हम खोलेंगे खोलेंगे दोस्तों, और दोस्तों इसमें जो अच्छी तरह से सफाई कीजिएगा, तभी जो है इसमें जो है फिटिंग कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डस्ट पड़ा हुआ है, बहुत ही कचरा है, तो इस कचरे को सफाई कर दीजिएगा। ये दोस्तों चेन किट पड़ा है, सफाई कर दिए हैं, अभी जो है चेन छोटा वाला स्पॉकेट जो है निकाल लेते हैं। और दोस्तों इस नंबर को दोस्तों बाहर तरफ रखिएगा, अंदर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से फिटिंग करता हूं और कंपनी की इसी तरह से फिटिंग आता है, इसलिए मैं यही सोचता हूं कि ये अच्छा है।
दोस्तों इसमें सैप में थोड़ा ग्रीस लगाकर, नहीं तो गियर ऑयल जो है होता है चेन लुब्रिकेट के लिए देता है गियर ऑयल, वो भी गियर ऑयल दे सकते हैं। तो हम जो है इसमें थोड़ा ग्रीस लगाकर डाल दिए, और ये लॉक होता है, इसी लॉक में दोस्तों चेन स्पॉकेट, चेन जो है स्पॉकेट जो छोटा वाला है वो रुकता है क्योंकि इस तरह से फंस जाता है। देखिएगा इस तरह से अब फंस गया दोस्तों, इसको एक नट लगा देते हैं क्योंकि दो नट नहीं था तो मैं एक ही नट लगा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें का बाहर का जो है सेंसर वाला जो और जो जैसे बना हुआ है उसमें जो है थोड़ा लूज भी होगा, कोई टेंशन नहीं होगा ख़ास करके इस गाड़ी में, क्योंकि ये जो है बोल्ट जो हम एलिंकी टाइट कर रहे हैं ये जो बाहर नहीं निकल पाएगा फुल। यही एक गाड़ी का जो दोस्तों एक मतलब प्लस पॉइंट है, अगर इस बोल्ट को हम नहीं लगाएंगे फिर भी चल जाएगा, उतना टेंशन नहीं है लेकिन थोड़ा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों ये जो है सेंसर में काम करता है जो और सर लगा रहे हैं, देखिए राइट साइड ऊपर में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में शूट करना भूल गए थे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों एक सेंसर होता है, इसी सेंसर जो है इसमें लगा हुआ रहता है चेन कवर का जो छोटा कवर है होता हाफ कवर कहते हैं, उसमें लगा है जो है वो जो है इसमें जो सेंसर लगा हुआ है और ये घूमता है तभी जो है ये इंडिकेट कर लेता है, मतलब देख लेता है कि कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है अभी। ये भी दोस्तों अच्छे तरह से टाइट कर दीजिएगा, इस तरह से मैं जिस तरह से टाइट कर रहा हूँ। टाइट करने के बाद दोस्तों अभी जो हम पीछे वाला पहिया को फिटिंग करेंगे और उसके बाद चेन लगाएंगे, तो किस तरह से जो है लगाते हैं पहिया को, पहिया में क्या क्या चीज़ है वो भी हम बताए हैं इस वीडियो में। तो आप जो है आप लोग जो है अच्छे तरह से कम्प्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि दोस्तों मैं बहुत दोस्तों ये आसानी से वीडियो नहीं बनता है, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा इज्जत कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों इसमें दोस्तों इस तरह से एक बुश होता है, इस तरह से लग जाता है, इसमें बैठ जाता है, उस बैरिंग में जाकर घुस गए ये, और इस तरह से जो दोस्तों एक बुश होता है, और ये जो है ये बाहर साइड इस तरह से यहाँ पर लगता है, और उसके बाद जो दोस्तों ये डिस्क वाला डिस्क कलीवर जो है ये लग जाता है, और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं रहता, सिर्फ और एक्सेल घुसेगा और कोई चीज़ नहीं इसमें अंदर जाएगा, सिर्फ एक्सेल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बैठा देते हैं, और दोस्तों एक्सेल में थोड़ा लुब ऑयल डालकर इसमें थोड़ा सेंटर करके रख दिए हैं, अभी हम इसको सेंटर करते हैं। इस तरह से बैठा दीजिएगा कपलिंग में, और बैठाने के बाद दोस्तों इस तरह से रेडी कीजिएगा। दोस्तों अभी इस तरह से डाल रहे हैं, फुल मत डालिए क्योंकि दोस्तों उस तरफ जो है डिस्क को घुसाना है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा चलेगा वापस ले लें हैं। अभी जो दोस्तों देखिएगा इसका जो है बूस जो है वो पहिया से और उसका लेवल रखिएगा तभी जो है इस डिस्क का जो कैलिपर जो सेटिंग है ये जो है अंदर जाएगा। इसमें दोस्तों देख लीजिएगा कि हाँ इसका ब्रेक शू यानी डिस्क शू जो है बीच में हुआ कि नहीं, देखिए इस तरह से देखिएगा आई जी से चल गया दोस्तों। ऐसा बहुत ही जगह मैंने देखा हूँ, कहीं का खड़ा हुआ और नहीं तो किसी का गैरेज में गया तो बहुत ही हथौड़ी से ठुकाई करते हैं, लेकिन दोस्तों उतना ठुकाई करना अच्छा नहीं है क्योंकि एक्सेल का जो सर जो है यानी नट का तरफ जो है वो ख़राब हो जाएगा, और थ्रेड का तरफ जो किधर भी लग जाएगा तो थ्रेड भी ख़राब हो सकता है, तो उतना हथौड़ी मत कीजिए। और दोस्तों ये चेन चाबी को दोस्तों जो बोल्ट नट है दोस्तों इसको हम थोड़ा फुल ढीला कर लेते हैं क्योंकि अभी नया चेन लगेगा तो दोस्तों गाड़ी का बिल जो है आगे जाएगा, इसीलिए दोस्तों इस जो है नट को थोड़ा नहीं फुल पीछे कर लिए हैं। अब इस तरह से सेंटर कीजिएगा, देखिए वीडियो में दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से दोस्तों अच्छी तरह से सेंटर कर दीजिएगा तभी जो है वो हो पाएगा। दोस्तों इसमें और सा लेगा और ये नट बस, और जो है इस बिल में यानी इस चक्का में पहिया में कोई चीज़ नहीं लगेगा, ठीक है बस हो गया दोस्तों, काफ़ी इसमें और कुछ नहीं लगा। थोड़ा दोस्तों हल्का सा टाइट कर दें क्योंकि जो है पहिया जो है इधर उधर भागेगा, इसलिए
अभी जो दोस्तों पीछे वाला और आगे वाला जो है इस पॉकेट लगा दिए हैं, अभी इस चैन को लगा लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें चेन लॉक होता है, तो चेन लॉक खोल लेते हैं और खोलने के बाद चेन को पहिया में चढ़ा देते हैं। देखिए इस पर लॉक है, और लॉक दोस्तों बहुत ही गाड़ी में देखते हैं कि उल्टा बैठाते हैं दोस्तों, इसको सही बैठाने का तरीका वो भी आप देख लीजिए क्योंकि किस तरह से लॉक किस तरह बैठेगा, क्योंकि ये बहुत ही लोग जो है उसका मुंह उल्टा कर देते हैं और वो एक रिस्क हो जाता है और कभी भी जो दोस्तों लॉक खोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लगा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा दोस्तों, इस तरह से फंसा लिया। इसके बाद देखिए इस तरह से अभी जो है इस लॉक को लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि दोस्तों ये इसका मुंह जो है आगे रहेगा गाड़ी का आगे तरफ, ये पीछे तरफ नहीं है क्योंकि इधर से घूमेगा तो ये लॉक जो है कहीं से मुंह टच करके दोस्तों ये खोल भी सकता है। तो आप सतर्क रहिए और सतर्क रहिए तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे तरह से देख लीजिएगा कि ये जो है चेन लॉक बैठा कि नहीं अच्छे से, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे बैठा देते हैं और अच्छे तरह से नहीं बैठा तो कुछ देर चलने के बाद दोस्तों ये चेन अगर खुल जाएगा बहुत ही गाड़ी स्पीड रहेगा, तो इस गाड़ी में क्या हो सकता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही खतरा हो सकता है हमको। देख लीजिएगा अच्छे तरह से, मैं अच्छे तरह से इस लॉक को कोई सा भी गाड़ी हो उसको अच्छे तरह से चेक करते हैं। और दोस्तों चेन टाइट करने का तरीका जो दोस्तों इस नट को टाइट करना है और इस नट को दोनों लेफ्ट साइड यानी राइट साइड बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों सेम रखिएगा। और एक चीज़ भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है दोस्तों ये चेन टेढ़ा हो जाता है और नट जो है यानी चेन स्पोर्ट नट जो है वो सेम रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों चेन टाइट करने का तरीका दोस्तों ये पॉकेट और चेन का जो मुँह जो दिखाए हैं उस अच्छी तरह से देख लीजिएगा तभी जो अच्छे तरह से बैठेगा। और दोस्तों ये रोलन किट लगाए हैं, रोलन कंपनी का दोस्तों, ये वायरिंग वाला है यानी रबर रहता है हर जगह में इसका अंदर चेन का हर जॉइंट में। तो दोस्तों इसका प्राइस जो जैसे 1240 रुपया है दोस्तों। ये जिक्सर है दोस्तों, ये देखिए जिक्सर 150 है सीसी SF, सेम गाड़ी का है दोस्तों, इसमें 1240 रुपया प्राइस है। और दोस्तों फिटिंग जो है आपका मैकेनिक जितना हो सके वो लेगा, मैकेनिक का मतलब यह है मैकेनिक का ऊपर डिमांड करते हैं क्योंकि दोस्तों मैकेनिक कोई 150-200 लेता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।